हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आजकल जो है YouTube में क्या हुआ है, कॉपीराइट क्लेम का एक चलन पल चल पड़ा है। क्या हो रहा है कि जिसको देखिए फेक कॉपीराइट क्लेम किसी पर भी दे दिया जाता है, तो मुझ पर एक कॉपीराइट क्लेम आया है, लेकिन वो फेक नहीं है। मैंने उसको चेक किया है, वो फेक कॉपीराइट क्लेम नहीं है। आप देखिए स्क्रीन पर इस तरह से मुझे कॉपीराइट क्लेम आया है। तो मैं आपको अब बता देना चाहता हूं कि देखिए, आपको जब ऐसा कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में डिफरेंस आ जाते हैं। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया, आपको कॉपीराइट क्लेम आया, तो कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में डिफरेंसेस आ जाते हैं दोस्तों। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो जब आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तब आपके ऊपर आता है। और ऐसे अगर 3 स्ट्राइक आपके ऊपर आ गए तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है दोस्तों। लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में जो है इस तरीके का कुछ नहीं होता है। देखिए कॉपीराइट क्लेम में क्लियरली इसको देख लीजिए आप, इसमें क्लियरली लिखा होगा कि आप जो इनकम करेंगे वो इनकम चला जाएगा जिसने आपको कॉपीराइट क्लेम किया है उसके पास, क्योंकि रियल ऑनर वो है। तो देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि 30 सेकंड्स का गाना अगर हम कहीं पर यूज करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, तो ये मैं प्रूफ कर देता हूं कि ये गलत है, क्योंकि मैंने 30 सेकंड्स का ही यूज किया था लेकिन मेरे ऊपर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में आपको घबराना नहीं है। देखिए आपको करना क्या है, अगर आपके ऊपर फेक क्लेम आ रहा है तो आपको करना क्या है मैं आपको बता दूंगा। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दे और बजा दे बेल, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम जब फेक कॉपीराइट क्लेम हमारे ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अगर फेक कॉपीराइट क्लेम हमारे ऊपर आ जाता है तो हम कर क्या सकते हैं। देखिए वैसे तो कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप YouTube को बोल सकते हैं अगर वो गलत है तो, लेकिन अगर गलत नहीं है तो कॉपीराइट स्ट्राइक आप कुछ नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद हटेगा। या फिर और तीन अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आपके ऊपर आ जाएंगे तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन कॉपीराइट क्लेम को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कुछ एक्शंस ले सकते हैं अगर वो फेक है तो। क्या करना क्या है, अगर फेक नहीं है तब भी आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, और वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने चैनल को जो है वो गूगल क्रोम से खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर से जब खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, उसमें देख लीजिए जो वीडियो जो है जिसमें कॉपीराइट क्लेम आया है उसका एडिट में आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा हाउ आई सेलिब्रेटेड टीचर्स डे जो है उसमें आया है, तो मैं इसको एडिट में क्लिक कर देता हूँ। जब एडिट में क्लिक करूँगा तो कुछ अलग तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ में आप देखिए ऊपर में आपको नज़र आ जाएगा कॉपीराइट, ऊपर में जहाँ में लिखा होता है इन्फो एंड सेटिंग एनहांसमेंट ऑडियो एंड स्क्रीन आईकार्ड सबटाइटल्स, उसके बाद कॉपीराइट एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कॉपीराइट को क्लिक करना है। आपको नज़र आ जाएगा कि आपको कॉपीराइट किसने दिया है और क्यों दिया है। ये देखिए यहाँ में लिखा हुआ है कॉन्टेंट साउंड रिकॉर्डिंग 1 से 30 सेकेंड तक मैंने शुरू किया था, चलाया था, क्लेम एंड बिलीव लोक धुन ऑन बिहाफ ऑफ वीजी ऑडियो पॉलिसी मोनिटाइज बाई कॉपीराइट ऑनर, कॉपीराइट ऑनर ने इसको मोनिटाइज कर रखा है। उसके बाद मेरे पास यहाँ में 2 ऑप्शन है, देखिए एक है रिमूव सॉन्ग का, दूसरा है फाइल अ डिस्प्यूट का। अगर आपके ऊपर फेक कॉपीराइट क्लेम है तो आप क्या करें, आपको फाइल अ डिस्प्यूट करना है। देखिए मेरे पास फेक नहीं आया है कॉपीराइट जो क्लेम है, इसलिए मैं फाइल अ डिस्प्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो मुझे कॉपीराइट क्लेम किया गया है वो सही है, मैंने उनका गाना यूज़ किया इसलिए उन्होंने मुझे कॉपीराइट क्लेम भेजा है। अभी दूसरा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दूसरा काम कर सकता हूँ रिमूव सॉन्ग, तो मैं इसमें से गाने को हटा सकता हूँ। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो उसके बाद जो है वो इसका जो कॉपीराइट क्लेम है वो खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं उसके बाद उसमें दूसरा कोई जो कॉपीराइटेड सॉन्ग नहीं है उसे यूज़ करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों, इस तरह से देखिए आपको घबराना नहीं है और इस तरह से आपको कर लेना है। अगर जो क्लेम है वो रियल है तो आप रिमूव सॉन्ग कर दीजिए, और अगर जो फेक क्लेम आ रहा है आपके ऊपर तो फाइल अ डिस्प्यूट आपको कर देना है दोस्तों, बस इतना ही आपको करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा इंपॉर्टेंट लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बजा दीजिए बेल, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलते रहते हैं दोस्तों। अभी के लिए बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर।